रजौली विधानसभा क्षेत्र के 235 से आज निर्दलीय प्रत्याशी अर्जुन राम ने किया नॉमिनेशन। विगत 2015 में राजद से 3700 वोटों से हारा था अर्जुन राम, इन्होंने 66,000 वोट लाए थे। इस बार भाजपा अर्जुन राम को छोड़कर पूर्व विधायक कन्हैया रजवार को टिकट देने से नाराज अर्जुन राम ने आज निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नॉमिनेशन करवाया। रजौली विधानसभा में त्रिकोणीय संघर्ष की उम्मीद है, जिसमें राजद के प्रकाश वीर, भाजपा से कन्हैया रजवार, निर्दलीय अर्जुन राम, तीनों में कड़ा मुकाबला होने की उम्मीद है। इधर कन्हैया को भाजपा की टिकट मिलने के बाद प्रखंड स्तर पर कई भाजपा पदाधिकारी भाजपा से नाता तोड़कर निर्दलीय प्रत्याशी की तरफ आ गए। अर्जुन राम बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ नारा के साथ नॉमिनेशन किया। उन्होंने यह बोला, रजौली विधानसभा क्षेत्र में एक भी महिला कॉलेज नहीं है, इससे पहले जीतने के बाद महिला कॉलेज खुलवाएंगे, जिसके बाद विकास की गंगा बहेगी। निर्दलीय से हम अपने स्वतंत्र नॉमिनेशन करा रहा हूं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अर्जुन राम हुआ। निर्दलीय कर रहे हैं जी? निर्दलीय कर रहे हैं। और इसके पहले किस पार्टी में थे आप? भारतीय जनता पार्टी में। क्या कंडीशन हुआ जो आपने छोड़ कर चुनाव लड़ा? जनता पार्टी में 2015 में मैं 66,000 वोट लाया, फिर भी मुझे काबिल नहीं समझकर प्रदेश के लोगों का जो राजनीति हुआ मेरे साथ, ऐसा हुआ कि उन्होंने मेरा टिकट को काट कर किसी दूसरे आदमी को दे दिया। आप लोगों के आशीर्वाद और जनता के आशीर्वाद से मैं चुनाव जीत कर जाऊंगा। और ऐसा देख लीजिए, आपका जो भीड़ है वह देखने को मिल रहा है। आपका मुद्दा क्या है चुनाव लड़ने का? सबसे पहले है कि महिला कॉलेज यहाँ नहीं, डिग्री महिला कॉलेज रजौली। दूसरी बात है कि सिरदला में एक भी कन्या विद्यालय नहीं है। और तीसरा प्रखंड मेरा मेस्कौर है, उसमें भी एक भी कन्या का स्कूल नहीं है। सबसे पहले मैं प्राथमिकता दूंगा बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। और जब डेवलप 50% लोग होंगे तो मेरा बिहार विकास करेगा। नवादा से दिनेश कुमार बरनवाल की रिपोर्ट।